अपने अपने स्मार्टफोन में डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन तो देखा ही होगा। आज बात करते हैं कि आखिर डीएनडी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। डीएनडी ऑप्शन आजकल सभी स्मार्टफोन में मिल जाता है, चाहिए स्मार्टफोन एंड्रॉइड हो, iOS या फिर विंडोज स्मार्टफोन हो, डीएनडी ऑप्शन आपको लगभग सभी स्मार्टफोन में मिल जाता है। तो आखिर डीएनडी का काम क्या है? मान लो आपको कभी कोई वीकेंड पर जाना है या फिर आपके कोई हॉलीडे है, तो आप चाहते हैं कि आपको कोई भी कॉल ना आए, आपको सिर्फ वो कॉल्स मिले जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप अपने स्मार्टफोन में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, सभी कॉन्टैक्ट में आप उन जिन जिन की आप कॉल अटेंड करना चाहते हैं उन्हें आप स्टार कर सकते हैं, या फिर आप जो डीएनडी में जाकर उसके उसमें प्रायोरिटी चूज कर सकते हैं कि आपको किन किन लोगों के मैसेज मिलने चाहिए, किन किन लोगों की कॉल मिलनी चाहिए। अगर आप मैसेज में क्लिक करते हैं स्टार्ट कॉन्टैक्ट ओनली, तो आपको मैसेज का नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों का मिलेगा जिन लोगों को आपने कॉन्टैक्ट में स्टार किया हुआ है, या फिर आप इसमें एनी वन करते हैं तो आपको सभी लोगों का मैसेज मिल जाएगा। अगर आप बात करें कि कॉल की यानी कि डीएनडी में आप कॉल को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, मान लो अगर आपको कोई कॉल का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, यानी कि जब कॉल आती है तो जो रिंग टोन बजती है, अगर आप चाहते हैं कि किसी की कॉल आए तो मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो आप इसमें स्मार्टफोन में डीएनडी ऑन कर सकते हैं। आप डीएनडी स्मार्टफोन में ऑन करने के बाद इसमें आप प्रायोरिटी जो चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों की कॉल का और रिंग टोन सुनाई दे जिन्हें आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें आप स्टार्ट कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कुछ ही उन लोगों की कॉल अटेंड करनी है जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, तो आप इसमें वो भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें एनीवन करते हैं तो आपको सभी लोगों की कॉल मिलेगी। अगर आप इसमें मैसेज में भी इसी प्रकार सेट कर सकते हैं। ये होता है डीएनडी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन, विंडोज या फिर iOS स्मार्टफोन में डीएनडी क्या होता है और आप इसे कैसे काम में ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।